खा लेते हैं, चीनी लेते हैं। चौली बाबा को लगातार गाली दे रहे हैं, उनका कहना है कि आप कोई चमत्कार नहीं करते, आप धूम करते हैं, तमाम तरीके की चीजें कर रहे हैं, चमत्कार धूम और गालियां करौली बाबा आपको दे रहे हैं। भाई वो बड़ा सीनियर आदमी है, आपको पता है कि वो एक राजनेता था पहले, एनएसए की धारा, राष्ट्रद्रोह की धारा उस पर लगी हुई थी, और आप जानते हैं, मैं तो ये तक जानता हूँ कि वो 15-20 साल का था जब उसने किसी से मोटरसाइकिल ली थी, उसके आज तक 14,000 रुपये लिए थे। मेरे जीवन के बारे में तो आप ये गाँव रहा पास में, वहाँ चले जाए और यहाँ सारे में पूछ ले, मैं 10-12 सालों से यहाँ रहता हूँ, शाहजहाँ के आसपास ही रहता हूँ, यहाँ पहले RPC के मकान में रहता था, फिर किराए पे दूसरी जगह आया, फिर किराए पे तीसरी जगह गया, फिर किराए पे चौथी जगह गया, फिर किराए पे पांचवी जगह आया, फिर एक मकान बनाया, 12 साल लगातार काम करके रोजाना पसीना भागे, एक आसन पे 18-18 घंटे बैठ के फिर लोगों को सच्चाई बताई कि आखिरकार आप लोग क्यों परेशान है। फिर वो मकान भी आज जो हमने धाम बनाया वो मकान भी बेच दिया गया है, अब मैं आपके इसी छोटे से धाम में रहूंगा अपने बच्चों के साथ, हालांकि ये बहुत बड़ा है, 1,000 का जमीन है और मेरी यही कमाई है, और वो जमीन हमें मुफ्त में दी गई है संस्था की तरफ से, उस पर हमने बना के अपने पैसे से खड़ा किया, उसके लिए मकान बेच रहा हूँ। आपके पास आ रहे हैं इलाज कराने, कहीं ना कहीं चमत्कार लगता है, वो चमत्कार नहीं आपको? नहीं, चमत्कार तो हमारा इसलिए नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप जिससे भी पूछ रहे हैं वो कह रहा है कि मैं 8 बार आ रहा हूँ तब आराम पड़ा, कोई कह रहा है मैं 20 बार आया हूँ तब आराम पड़ा, कोई कह रहा है मैं 10 बार आया हूँ तब आराम पड़ा, मैंने तो कहा नहीं उनको, आप आओ अपनी सेवा करवाओ तब आराम पड़ेगा, उल्टा उन्होंने क्या कहा है देखिए ध्यान से। हम कहते हैं कि हमने आज तक 5 लाख लोगों को ठीक किया है केवल मंत्र चिकित्सा के जरिए, वैदिक रीति के जरिए, हमारे पास क्या है? उन्होंने यही तो देखा था, एक लड़की को यहाँ भेजा, हम नारियल की उपासना करते थे लेकिन हमने देखा उसमें लोगों का पैसा ज्यादा लगता है, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया, उसने शुरू कर दिया। कोई उससे पूछे कि आपके 250 रुपए गोले की कीमत 3,500 रुपए कैसे हो जाती है, जबकि आप कह रहे हैं कि मैं चिकित्सा नहीं करता, लोगों की चिकित्सा अपने आप होती है, अपने आप कैसे होती है कि वो संकल्प करते हैं, वो हवन करते हैं अपना आप। आप बताइए एक बात कि अगर किसी व्यक्ति ने मंत्र को इतना सिद्ध किया है वही तो आपका हवन कर सकता है, तभी तो उसका फल मिल सकता है, तो फिर एक बच्चा जो पत्थर फेंकता है दूसरे को मारता है और एक बड़ा जो पत्थर मारता है, दोनों की चोट में फर्क कैसे है? तो फिर अगर आप अपने आप ही हवन करने गए हैं तो फिर करौली का मतलब क्या रहा आपका जाने का, और अपने ही संकल्प अपने आप करने गए हो तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक ऐसा भक्त आपको चाहिए जिसने 6 वर्ष तक मैंने बैठ के तप किया, 18 घंटे तक रोजाना जप किया है, आप उसके जीवन का एक दिन का भी तो तप बता दें, वो तो सामने बैठ के ऐसे बताता है कि ये ब्रह्मा जी आ गए, ये विष्णु जी आ गए, आपके ब्रह्मा विष्णु महेश को गाली देता है आगे ना, और मैं संबोधन नहीं करना चाहता टीवी के सामने, अगर आप उनकी एक वीडियो देखेंगे तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये हिंदू राष्ट्र वाले ये क्या करते हैं, जो हिंदू हिंदू करते हैं वो क्या करते हैं कि देवताओं को गाली दी जा रही है और वो चुप है, वो मौन है, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल जिसके आंचल में गुंडे ही पले हैं और कोई पला ही नहीं है, केवल ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पास हजारों गाड़ियां चलती हैं साथ साथ में, मनु भैया के पास आप मनु भैया का वैभव देख सकते हैं, मेरा वैभव मेरी भक्ति है, मेरी ये 15 रुपए की तस्वीर है जिसकी आंखों से 2 रश्मियां निकलकर मेरे मस्तिष्क में समा गई, मेरा वैभव मात्र इतना है, और उसका वैभव जो है वो 7 करोड़ की गाड़ियां है, 8 करोड़ की 10 करोड़ की गाड़ियां है, और उसका वैभव एक बड़ा होटल है आलीशान, उसके बेटों की कंपनियां हैं जो वहां पे सामग्री बेचती है, और उसका वैभव उसके बेटों की वो मिल्क डेयरी है जिसका वो घी भी 1800 रुपए किलो में बेचते हैं, फिर दोनों के वैभव में अंतर है, मेरा वैभव मात्र मेरे शनिदेव महाराज है कोकिला वन वाले। बेवकूफ बना करके वो उनसे पैसे ऐड जी, जब आप आपके देवताओं को बुलाएंगे तो लोग तो अंधे हैं, उनको थोड़े ना दिखाई दे रहा है, ये तो सूक्ष्म वस्तु है, सूक्ष्म यानी कि उनके पास राधा रमन नाम का एक प्रेत है, मैं तो सीधा कहता हूँ वो प्रेत पूजा है, भूत पूजा है, और वो आपको आपके शरीर के अंदर घुसा देता है, और उसमें भी वो 70% की शिक्षा में सबके अंदर नहीं घुसा पाता, फिर उसको महर्षि सुश्रुत और महर्षि क्या क्या कह के वो देता है, तो आप खुद जानते हैं कि महर्षि दधीची सुश्रुत आपके देवताओं को आपके ऋषि मुनियों को जिनकी श्रेष्ठ विद्याएं रही हैं उनको वो तार्किकता पे लेता है, और आज कहता है मेरे यहाँ 10,000 लोग ठीक हुए, 10,000 तो आपके यहाँ एक दिन में आने वाली भीड़ है, तब आज तक 10,000 लोग कैसे ठीक हुए आप ये देखिए, और फिर ठीक हुए हैं तो फिर मनु भैया के पास में 200 लोग क्यों पहुंच गए जिनको मनु भैया ने ठीक किया, बकायदा ठीक करने की वीडियो है हमारे ऑफिशियल चैनल पे, जिनको मनु भैया ने ठीक किया और वो अपने आप को लुटा हुआ महसूस उन्होंने किया,
ठगा हुआ महसूस किया और वो जाके पैसे नहीं मांग सकते। मेरे यहाँ जब 2100 रुपए की पर्ची कटती थी मैं वो देता था पर्ची, उसमें भी कई लोग वापस पैसे मांगने आ जाते थे। मैंने सोचा इसका मतलब संसार की हालत खराब है, मुझे ये भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद से आपको पता है हमारी व्यवस्था जो है सभी देशों की आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा गई है और लोगों को कमाने में यानी पैसे को कमाने में बड़ी दिक्कत हो रही है और अपने घर का पालन पोषण करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। करौली बाबा कानपुर में बैठे हुए हैं, वो अलग इलाज कर रहे हैं, आप यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं, करौली बाबा को दिक्कत क्या है आपसे जो आपको हमेशा टारगेट करते हैं? यहाँ तक हमारा एक चैनल था जिसके 6 लाख सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे, वो उन्होंने बंद कराया किसी शातिराना तरीके से और तब उनके केवल 35,000 सब्सक्राइबर थे। उनको लगा मेरा सामने मेरे प्रतिद्वंदी ही ये है, अगर मैंने इनको दबा लिया तब हमारे पास दिन में 5,000 के करीब लोग आते थे, वो जगह भी बड़ी थी और कोरोना काल के बाद हमारे पास उसकी आधी संख्या रह गई है, क्योंकि इन्होंने ऐसे सब्जबाग दिखाए ना लोगों को कि एक दिन में ठीक करता हूँ, जबकि मेरे पास ऐसी वीडियो भी है कई जिनमें ये कहता है कि मैंने एक दिन में अगर तेरे बेटे को ठीक कर दिया तो ये मारा जाएगा, और ऐसे ही एक आदमी कहता है कि मैं 2.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मेरी पत्नी को आज ही ठीक कीजिए, तब वो कहता है कि मैंने अब अगर अभी इसके पेट निकाल दिए तो ये अभी के अभी मारा जाएगा, ठीक है ना, अभी के अभी मर जाएगा, इसलिए एक दिन में कोई चिकित्सा नहीं हो सकती। आज वो वनडे चिकित्सा करता है, रोजाना उसके धाम की ऐसी शक्ति बढ़ जाती है जैसे सारे देवता उसी के लिए काम करते हैं और किसी के लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए भारत के जो महात्मा है, जो शुद्ध महात्मा है, विशुद्ध महात्मा है, वो अभी जागे नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये अगर जो सामान्य जन साधारण है इसकी जो खाल खींची जा रही है, इसको जो तड़पाया जा रहा है, इसको जो रुलाया जा रहा है और इसको जो सब्जबाग दिखाया जा रहा है, इनके मस्तिष्क से जो स्मृतियाँ मिटाई जा रही हैं, जबकि वो स्मृतियाँ कभी मिटती नहीं है, आप भी जानते हैं, ठीक है ना, आप लोग जाके इंटरव्यू तो लेते हैं लेकिन खुद भीड़ में, मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने चैनल पे मुझे बुलाइए, सबसे बड़ी बात आपके चैनल में जितने भी लोग काम कर रहे होंगे अगर उनमें से किसी को निगेटिविटी होगी, कुपित वायु होगी, तो मैं ढूंढ के तुरंत निकाल के दिखा दूँ, इसमें क्या हानि बताइए, नहीं है कि जो यही काम करे, यानी कि मेरे पास तो ऐसी विद्या है जो हाथों से की जाती है, मेहनत से की जाती है, बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे अपना एक छोटा हथौड़ा लेना पड़ता है और वो मारना पड़ता है तब आपके दर्द गायब करता हूँ मैं, और कौन कौन हथौड़ी लगवाने के लिए तैयार है यही हाथ उठा दीजिए जरा, ये देखिए वहां तो उन्होंने एक डॉक्टर को पीटा, मैं तो रोजाना इतने लोगों को पीटता हूँ, तब ये खुश है, तब ये खुश है। डॉक्टर को पीटने की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर अपने परिवार के साथ, अपने नामी डॉक्टर थे, अपने परिवार के साथ वो गए वहाँ पर बाबा के यहाँ पे और उनकी बड़ी बुरी तरीके से की गई, मुकदमा भी दर्ज हुआ है और आपने देखा होगा पूरा पूनम खान से। मैं तो साधुवाद देता हूँ उन डॉक्टरों को, तो ये उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है बाबा जी की वो निकलती है, क्योंकि ऐसे ही बाबा के ढाबा जो है ऐसे ही करते हैं, तो जिसको अभी लोभ है, जिसके मूल में लोभ है और क्रोध है, तो आप जानते हैं वो व्यक्ति इस संसार का क्या भला करेगा, जिसके मूल में लोभ भी है, क्रोध भी है, और फिर वो कहता है कि मैं जन जागरण कर रहा हूँ, मैं लोगों के दुख दूर कर रहा हूँ, और वो भी इतने मोटे पैसे में कि जो सामग्री है वो 250 रुपए की है और दे 3550 मेरा है, उसकी भी आदमी के पास कोई रसीद नहीं होती है, आप देखिए किसी के पास बैंक से, और ये पहले तो नकदी लेता था, अभी किया है इसने ये जब से इसके ऊपर गाज पड़ी है, कि डॉक्टर जो सिद्धार्थ है सिद्धार्थ चौधरी है, मैं तो उनको साधुवाद देता हूँ, इससे लोगों की आंखें खुली है। ये बात मैंने 4 साल पहले बताई थी कि इस पे एमएससी लगा हुआ है, ये मेरे पास एक मैसेज है, एक वीडियो में सीधा ऊपर वही दिखाई देता है, कोई लड़का है उसने बताया कि इसने मेरे घर के नकली कागज बना के भूमाफिया है, नकली कागज बना के मेरे घर पे कब्जा किया है, मेरी आत्मा रोती है, आप ठीक कर रहे हैं जो इसके खिलाफ ऐसा काम कर रहे हैं। मैंने नहीं किया, शुरुआत उसी ने की, मेरे पास ऐसी 15 से 20 वीडियो है जो रिकॉर्डेड है, और इसकी भी मैं पत्ती की बात बता देता हूँ, यहाँ आने से पहले उनकी एक लड़की यहाँ 3 दिन रह के गई, तब उसने पूरी चिकित्सा जानी, तब इन्होंने ये खेला खेला है जनता के साथ, यहाँ आने से पहले ये एक महिला, मेरे पास वीडियो है वो भी प्रूफ के रूप में, ये महिलाओं को त्रिशूल पकड़ा के जल से नहलाया करता था और जाप किया करता था और अपने गुरु को उसके अंदर प्रविष्ट कराया करता था। इससे पहले की बात बता दूं, क्योंकि मंत्र जपा होगा तो मंत्र शक्ति होगी ना, जब मंत्र जपा ही नहीं मंत्र शक्ति कैसी, आप देखिए मान लिया बागेश्वर वाले है तो संसार के बारे में उनको कौन बता रहा है, हनुमान जी तो बताते नहीं है, उनके गुरु ही बता रहे हैं, गुरु दादा गुरु बता रहे हैं उनको, इसी तरह पंडोकर सरकार को उनको दादा गुरु बता रहे हैं, जिनमें देवत्व मौजूद है, इनको भी इनके गुरु जो है वो दूसरे के शरीर में घुस के, क्योंकि उनमें देवत्व नहीं है, उसमें प्रेतत्व मौजूद है, वो दूसरे के शरीर में घुस के जैसा ये कहता है अब इसको उठा के पटको वैसा पटक देता है, ये मंत्र की शक्ति नहीं है, ये तो प्रेत की शक्ति है, प्रेत से आप प्रेत को निकालेंगे कब तक निकालेंगे, एक दिन तो भट्टा फोड़ होगा ही ना, तो अब ये ही दूसरी शक्ति है, विलक्षण शक्ति है, कि आपने मंत्र जपा है, मंत्र को पाया तभी तो वो खिलेगा, अगर वो पौधा बन गया तभी वो फल देगा, और मैंने मनु भैया ने लगातार आप आज भी देखते हैं मैं जप करता हूँ रोजाना की नहीं करता हूँ, जोर से बोलिए,
मेरा पूरा दिन छपी चलता है, आप आ गए, बल्कि मुझे तो ये है कि आप जितने मीडिया वाले आएंगे उसमें मेरा जप बंद होगा उतनी देर के लिए, ठीक है ना। तो मुझे तो, लेकिन कोई बात नहीं, जब भगवान ने आपको भेजा है तो मैं आपको आपके सवालों के जो आप चाहते हैं उनको जवाब दूंगा ही दूंगा। मीडिया का सामना करना भी बड़ी बात है और श्रेष्ठता से अपनी बात को सिद्ध करना भी बड़ी बात है और सत्य बोलना भी बड़ी बात है और सत्य का जागरण कराना भी बड़ी बात है। आपका साधुवाद। टीवी 9 भारतवर्ष बहुत बड़ा चैनल है, हमारे धाम पे आया, इस छोटी सी गरीब की झोपड़ी में आया और यहाँ पर आकर उसने लोगों से, लोगों के इंटरव्यू लिए। आप यहाँ आने वाले लोगों के शाम तक इंटरव्यू ले सकते हैं। मैं नहीं कह रहा सब लोग ठीक हुए, लोग आके बताते हैं मुझे कि मैं ठीक हो गया, मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, ऐसा ही है भाई, वो बताते हैं। मैं नहीं पूछता, मैं तो रोजाना अपनी सेवा करता हूँ, सेवा दे के जाता हूँ, फिर इनसे पूछता हूँ क्या आपको आराम पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो मैं हर व्यक्ति से 8 बार के अंदर अंदर पूछ लेता हूँ कि आपको आराम पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, तब उसका कारण हम जानते हैं कि आपको आराम पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे पास तो एक ऐसी विधि है जिससे हम ये जान लेते हैं कि शरीर में प्रेत आदि है कि नहीं है, जमावड़ा है कि नहीं है, इनको दोष तो नहीं। आप मुझे बुलाइए, पूरे हॉस्पिटल में सारी नर्सों को खड़ा कर दीजिए, मैं मरीजों की नहीं कह रहा, किसी भी हॉस्पिटल की सारी नर्सों को खड़ा कर दे, मनु भैया उनके कान में फूंक मारेंगे, उनको फूंक वही लगेगी जहां उनको दोष होगा, जिसको नहीं लगेगी वो दोष फ्री है, वो दोष। बाबा बाबा आपका आशीर्वाद बहुत बड़ा है, आप हमारे धीरेन शास्त्री पंडित जी जिस तरीके से वो लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं उस पर क्या कहेंगे आप? समस्याएं दूर करने के बहुत सारे साधन है, उन्होंने भी एक साधन अपनाया हुआ है और ये भी श्रेष्ठ साधन है, लेकिन इस साधन में मैं मानता हूँ कि माताओं बहनों के सर खुले होकर घूमते हैं, उनको आराम जरूर पड़ता है, वो जो घूमते हैं वो मुझे तो खलता है, इसलिए मैं भैया हूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं, मैं तो वैज्ञानिक विधि से यहाँ सबको ठीक करता हूँ। और जो आदमी एक बार आगे घूमता है, किन किन लोगों की हाजिरियाँ बंद होगी हाथ उठाना जरा, तो उस तरह की हाजिरी जो है घूमने वाली, घूमने वाली जो जिनके सर घूमते थे, देखो वहाँ जिनके सर खेलते थे अपनी खेलते हैं, जिनको हाजिरी आती थी जो घूमते थे अपनी घूमते हैं, ये देखिए ये जिनको हाजिरी आती थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हाजिरी आती है, अगर वो आगे आ जाते हैं फिर जैसे ही हम गाने चलाते हैं, भक्ति गीत चलाते हैं या नाम लेते हैं या अपनी शक्तियों का आह्वान करते हैं, तब वो आगे आ जाते हैं। तो एक आपने देखा होगा जब आप खानपुर में जाते हैं तो वो अगर यज्ञ भी कर रहे हैं तो भी माता काली का भजन चला रहे हैं, इसलिए ताकि प्रेत वाले उठ के नाचने लगते हैं, क्योंकि उनको शोर पसंद नहीं, तो प्रेत जो है वो एकांत चाहता है। मैं तो प्रत्येक प्रेत के बारे में, प्रत्येक वस्तु पितृ के बारे में, प्रत्येक चीज को करके दिखा सकता हूँ, आपके स्टूडियो में भी, अपने धाम में भी, किसी के घर पे भी और किसी हॉस्पिटल में, ठीक है ना, तब तो मानेगी सरकार संसार, क्योंकि सरकार को चाहिए कि मंत्र चिकित्सकों के लिए एक चिकित्सालय खोले, वहां पे लोगों को रखे और लोगों के लिए जाप कराए, उससे बहुत सारी औषधियां बच जाएंगी और ऐसी औषधियां भी बच जाएंगी जिनसे अभी लाभ नहीं हो रहा है, और हमें एक नई तकनीक का सहारा मिल जाएगा, नई तकनीक दमी है तभी तो कर रहे हैं, दम ना हो तो कौन कर पाए, कितने दिन चल पाए। मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं मेरे पास, था मैं तो कर रहा हूँ, गलत बाबा फर्जी हो कैसे सकते हैं। सबसे पहले चलो ना भी हो ब्राह्मण के पुत्र, तो बचपन से जाप करते आए हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान में श्रद्धा है, हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, वैसे तो ब्राह्मण पुत्र है, लेकिन कितनी बड़ी बात है कोई आदमी हनुमान चालीसा का बचपन से जाप करता है तो उनको उसके लाभ भी मिले, कथा उन्होंने सीखी है, पारंगत है वो अपनी क्रियाओं में, तो पारंगत होना बहुत बड़ी बात है, जैसे मैं अपनी क्रियाओं में पारंगत हूँ, मेरी विधा उनकी विधा से बिल्कुल अलग है, लेकिन वो भी श्रेष्ठतम तरीके से काम करते हैं, कोई छोटी बात नहीं है इस तरह काम करते। सबसे बड़ी बात, जन साधारण को ठगते नहीं है, लूटते नहीं है, सबके समक्ष करते हैं, हमारी तरह सारा काम करते हैं, हमारे से बड़े लेवल पे करते हैं, हमारे लिए तो प्रणम है, हमारे से छोटे हैं प्रणम है, वो भी करते हैं, पंडोखर वाले भी करते हैं, सब प्रणम है हमारे लिए, लेकिन जो बिल्कुल फर्जी है उसके लिए क्या प्रणम है। ठीक, जिन्होंने कभी जाप नहीं किया और जो केवल अर्थ के लिए काम कर रहे हैं और इतनी मोटी फीस वसूल कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हिम्मत देखिए, कह रहे हैं कि अब मैं 2.5 लाख रुपए कर दूंगा, इस नाम के कर दोगे भाई, क्या कर दोगे तुम आदमी को, ये कह रहे हो तुम, अपने संकल्प अपने आप करते हो, वो अपने से ठीक होते हैं अपने संकल्पों से, तो फिर आपकी जरूरत क्या है, तब अपने संकल्प करते हैं वो स्मृतियों के लिए, तब आपकी जरूरत क्या रहेगी, तब आप कौन है, फिर किस लिए काम कर रहे हैं। आप उनकी अभी लेटेस्ट वीडियो देखिए, कल की वीडियो देखिए, वो पूछ रहे हैं, वो सोचते हैं मैं उनकी वीडियो नहीं देखता, मैं भी देखता हूँ, वो भी मेरी एक एक वीडियो देखते हैं, और देखें उनको पता चले कि कौन श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठता का मुझे अभिमान नहीं है, वो ही श्रेष्ठ है, वो धन में श्रेष्ठ है, वो क्रोध में, मद में, लोभ में, सब चीजों में श्रेष्ठ है, उनको अपने बच्चों को अरबों रुपए की संपत्ति देके जानी है, मुझे नहीं देके जानी, मेरी तो करोली बाबा की बात कर रहा मैं, तो वो श्रेष्ठ है मुझसे धन में, लोभ में, काम में, क्रोध में, मुझे तो श्रेष्ठता ऐसी नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान साथ भी जाता है, धन में तो आता है, दुनिया में सड़े
मुझे तो केवल भगवान चाहिए, मुझे तो केवल ईश्वर चाहिए, मुझे तो अपना आत्म दर्शन चाहिए, मुझे तो ब्रह्म दर्शन चाहिए, मैं क्या करूँ इन सब चीजों में, ये तो तुच्छ है, ये तो विषय आसक्ति है और इन भोगों से कुछ नहीं होने वाला। आप 100 करोड़ का मंदिर बनाएंगे, 100 करोड़ लोगों में बांटिए ना, 100 करोड़ लोगों में बांटिए, वो आपके गुण गाएंगे, अच्छे काम कीजिए संसार में। बागेश्वर वाले कैंसर का इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, वो भी तो कुछ बनाए, उन्होंने तो कुछ नहीं बनाया, केवल अपना अपना भरा, दूसरों का नहीं भरा। आपकी यहाँ से लेकर विदेशों तक संपत्ति पड़ी है अरबों खरबों रुपए की, और उसमें भी कुछ तो कब्जाई भी पड़ी है। अभी देखिए सरकार जो है धीरे धीरे सब निकाल रही है, वो कहते हैं मैंने टैक्स भरा है, मैंने तो उसकी संपत्ति का हिसाब लगा रखा है कितना टैक्स भरा है, आता कितना और जाता कितना। आप देख रहे हैं जहाँ 4,000 लोग आते हैं वहाँ 2,000 तो अपनी क्रिया कराते होंगे, तो 2,000 लोगों के 1.5 लाख रुपए कितने पड़ते हैं एक दिन के, ये देख लीजिए। एक तरह का ही कह रहा है कि रोजाना के 45 लाख रुपए तो बोला मेरे सामने ही जुड़ गए थे, तो फिर वो संपत्ति ने भी मुकदमा कराया है, ठीक कराया है, और कोई भी मुकदमा करा सकते हैं दुनिया में। उसने भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी को गाली दी है, अगर किसी की हिम्मत है हिंदूवादी की और कोई चाहता है और कोई संत चाहता है तो उसको मुकदमा कर सकता है, पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई भी वकील उस पर मुकदमा कर सकता है। उसने भगवान ब्रह्मा जी की शक्तियों को स्तंभित किया, विष्णु जी की शक्तियों को स्तंभित किया, वो करके दिखाए ना एक दिन के लिए भी, तब फिर प्राण को भी स्तंभित कर दे, फिर वो लोगों के सामने यमराज को बुला रहा है, एक छोटी बात है, इसका मतलब वो आधारहीन व्याख्या कर रहा है। मैंने माना दुर्वासा ऋषि में क्रोध था, लेकिन वो ब्रह्मात्मा थे, वो ब्रह्म को जानने वाले भी थे, मान रहे कि नहीं मान रहे। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में तमाम अलग अलग तरीके के, कोई मौलवी होता है, कोई पंडित होता है, वो अलग अलग तरीकों से इलाज करते हैं, कई पैसे के लिए करते हैं, कुछ सही करते हैं, आप इस चीज को कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं वो इलाज होता है या फिर पैसे के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने का? देखिए जिनके सर घूमते हैं वो तो लोगों को बेवकूफ ही बना रहे हैं, क्योंकि उनके अभी वो खुद स्थिर नहीं हुए, दूसरों को क्या स्थिर करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो सर घुमा के माताएं आती हैं, ये सब चल रहा है, ये सब बेकार है, व्यर्थ है, और ये सर घुमा के नहीं होना चाहते। जो भूत पूजा करते हैं, जो इत्र यही छोटे छोटे देवताओं को पूछते हैं, जिनके लोगों को काफी नुकसान हो रहे हैं, उनके जो पिछड़ों को पूछते हैं, वो आपका उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की पूजा कीजिए, सेवा उपासना कीजिए, ओम नमः शिवाय ओम का जप कीजिए, भगवान विष्णु का जप कीजिए, सूर्य देव का जप कीजिए, गणेश जी का जप कीजिए, नवग्रह आदि की साधना कीजिए, आपको श्रेष्ठता मिलेगी। जाहिर तौर पर मन्नू भैया जो कि यहाँ पर अपने शनि धाम में लोगों का इलाज करते हैं, वैदिक मंत्रोच्चारण के जरिए वैदिक यहाँ पर जप कर करके लोग जो तमाम लोग हिंदुस्तान के तमाम अलग अलग कोनों से यहाँ पर आते हैं उनका इलाज करते हैं, और उनका दावा है कि उनके वैदिक मंत्र और जाप के जरिए जो भी यहाँ पर भक्त आता है उसको पूरी तरीके से आराम मिलता है, कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलता है, शांति मिलती है मन की, और जो उसके शरीर के रोग हैं वो भी दूर हो जाते हैं। और सबके लिए चौंकाने वाली बात यह है कि उनसे किसी भी तरीके का पैसा या शुल्क नहीं लिया जाता। कैमरामैन हरीश कांपा के साथ सुनील शर्मा की।